नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुमारधुबी बगान धौड़ा स्थित दिलीप दास बावरी की जनवितरण प्रणाली दुकान में शुक्रवार को कार्डधारियों ने दुकानदार की कार्यशैली का विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में आक्रोशित कार्डधारियों ने दुकान के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। आक्रोशित कार्डधारियों ने कहा कि प्रत्येक महीने के राशन को दुकानदार निगल जाता है, किसी का तीन तो किसी का चौथे महीने का राशन बकाया है। सरकार राशन गरीबों के लिए देती है लेकिन दुकानदार स्वयं निगल जाता है। महीने में दो दिन दुकान खोलता है जिसमें मशीन खराब तो घर में कोई समस्या बताकर दुकान बंद कर चला जाता है, जिससे लाभुक बैरन लौट जाते हैं। दुकान बंद रखने की जानकारी लाभुकों को नहीं दी जाती है। कभी कभी दुकानदार घर घर जाकर लोगों से मशीन में अंगूठा लेता है। पूछे जाने पर लड़ाई झगड़े की बात और अधिकारियों से कार्रवाई करने का धौंस दिखाता है। गुस्साए कारधारी अधिकारी से ऐसे दुकानदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से गेहूं और चावल का वितरण अब तक नहीं किया गया है। छठ महापर्व है, इसके बावजूद भी आज दुकानदार लाभुकों को राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। दुकान खोलने का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बाढ़ आने से दिलीप दास बावरी की दुकान का सारा राशन खराब हो गया था। समय पर कार्डधारियों को राशन नहीं दिया गया था, जिसके कारण धनबाद के पूर्व डीसी ने दुकानदार के ऊपर कार्रवाई भी की थी। वही दुकानदार ने लाभुकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया, कहा कि अगर उनकी कोई गलती है तो वह जाँच के लिए तैयार है। डेट देखिए हमारा हुआ 21 तारीख को, आज 28 तारीख से दुकान खुला, दो दिन खुला या बंद। छठ पूजा का टाइम है। कितना कितना लोगों को यहाँ महीना का राशन बाकी, जैसे लोग बोल रहे 3 महीना 4 महीना, ऐसा समस्या उत्पन्न क्यों जाता है, क्या दुकान नहीं खुलता इसके कारण? जैसे आगे महीना में डबल है तो सिंगल दिया, बाकी है डबल बाकी है तो सिंगल दे रहा। प्रधानमंत्री द्वारा जो गेहूँ चावल दिया जा रहा है फ्री में, आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? फ्री वाला नहीं मिला, कहाँ मिला? आगे महीना में नहीं मिला, इस महीना में भी अभी। दुकानदार क्या कह रहा है? बोलता हमको राशन नहीं मिला है। वो उठा क्या बोलता दुकानदार? बोलता राशन नहीं उठा के ला, हमको कम मिला हुआ। समस्या आए दिन रहती हर महीना, महीना में दो दिन चार दिन बैठता, उसमें हम लोग को जानकारी नहीं रहता। हाँ, दो चार दिन बैठता बस। आपका ही बकाया राशन? आपका ही बकाया है? हमारा बाकी है अभी। गेहूं चावल मिला कि नहीं? नहीं, गेहूं नहीं मिलता, चावल गेहूं नहीं मिलता। नमक मिल रहा है? नमक भी नहीं मिलता है। नमक भी नहीं मिलता। क्या बोलता है दुकानदार? बोलता है नहीं, बोलता जहां जाना जाइए, बोलता जहां जाना वहां जाइए। से यहां का ये है कि प्रत्येक महीना में जनता का सही टाइम पर चावल वितरण नहीं मिलता है, गेहूँ नहीं मिलता है। अभी पूजा पर्व का टाइम है, महापर्व चल रहा है छठ पूजा का, इसके लिए इतना आदमी लाइन लगाए हुए हैं। इसका हर महीना का ही काम है, किसी को देगा तो दम भर देगा, किसी को नहीं देगा तो नहीं देगा। इसका कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, तो आने के बाद भी बहुत सारा आदमी को नहीं देता है, गाली गुप्ता भी करता है। इसका और भी कारण है, कुछ तो नहीं देगा जो करना कर, कुछ और व्यक्ति का दबाव में आके वो काम करता है, जिसका उसका कोई पब्लिक कोई बोलने जाता तो उसे मारा पीटी करता है। पार्षद के द्वारा भी गाली गुप्ता होता है, जो हम लोग का 15 नंबर वार्ड का पार्षद है उसका खिलाफ में भी आवाज़ उठाने लगता है। और कोई आता है कभी भी तो बोलता हम तो बाट ही रहे हैं, और कोई ज़्यादा बोलता है तो बोलता है कि हम जाति सूचक दे के केस करा देंगे। बात है ये, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। एक से दो दिन खुलेगा, एक से दो दिन खुलता है, यहाँ 3 दिन 4 दिन खुलने का है, एक से दो दिन खुलता है, वो भी खुलने के बाद उसका कोई ठीक नहीं रहता। अगर आप करना है तो आप नोटिस टांग दीजिए, कम इतना टाइम से इतना टाइम तो बांटेंगे, इतना दिन से इतना दिन में बांटेंगे, लेकिन इसका कोई नहीं होता। दो महीना राशन नहीं मिला, आते तो भी नहीं मिला, खाता उसी के पास ही। आते हैं तो क्या बोलता है? भेजते नहीं होता है, सवेरा घूम के चल गया। दुकान बंद रहता है इसका? दुकान नहीं बंद रहता, 2 महीना हम खोलते हैं। गेहूँ चावल कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 2 महीना से कुछ नहीं मिला। इसका समस्या हर महीना रहता है क्या? हर महीना ऐसे ही नाटंकी करता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसका, मतलब बदला हो, दूसरा आदमी यहाँ पे आए? सर देखिए, हम कोई बदलाएगा कि नहीं बदलेगा हमको पता नहीं, हम लोग को समान चाहिए। बाकी है फेरी वाला से लेकर के, अब पैसा वाला से लेकर 4 महीने का बाकी है। ठीपा हम एक बार दे चुका है, अब जब आते हैं तो कहते बंद है, मशीन खराब है, तो वो हम निरसा में। कौन कौन बोलता है? दिलीप, दिलीप बोलता है हम लोग का। हम चौकिया बोला कि हमारा है गेरा पर, तो बोलता कि नहीं आप गेरा मत जाइएगा, तो हम है निरसा में। 4 महीना बाकी रह गया अभी, चार अभी तक नहीं मिला 4 महीना गेहूँ चावल कुछ नहीं। हम हर महीना राशन देते हैं ठीक टाइम पर, लेकिन ये सितंबर में क्या हुआ कि मशीन खराबी हो गई,
हम निशा दो बार गए मशीन बनाने के लिए, तो मशीन कल बना के दिया, पहले बात सुनिए ना, बोलने दीजिए, मशीन कल बनाने दिए, मशीन बोला कि बैटरी डाउन है, कुछ पूजा भी सब गड़बड़ है, ठीक है, बोला इसमें सिर्फ लाइन से चलेगा और कोई उपाय नहीं, ठीक है, मशीन आप इधर गए, यहाँ तीन चार में से लोग का बाकी है, तीन चार में से आप कहाँ थे? देखिए अब कोई ऐसा बोल रहा है लिख देते हैं, खाता में लिख देते हैं, राशन नहीं देते हैं, फिर आपको कहाँ बोलिए 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 खाता में राशन नहीं देते हैं, बोलिए जिनका जो खाता में लिख देते हैं ना, जैसे लिखा हुआ ठीक है, इसका चाल बाकी है, मेरा स्टाम्प इसमें मारा हुआ है, देख लीजिए, वो आते हैं इसको काट के उसको मार, दो महीना में बाद आते हैं, तभी माल देते हैं। पहले आप राशन देते हैं या पहले खाता में लिखते हैं या अंगूठा लेते हैं? नहीं, संग संग कर देते हैं सबको, लोग कहने के पहले अंगूठा लेता है, दो दिन बाद राशन देता है, दुकान बंद रखता है, आए दिन ये समस्या होती है, हमेशा अच्छा ऐसा कहे होता है कि आपके दुकान में हमेशा झमेला होता है, आपके दुकान में हमेशा झमेला होता है, क्यों कारण, क्या कारण है? झमेला होता है, जैसे झमेला इसलिए हो जाता है कि कुछ आदमी जो है यहाँ ज्यादा कैसा टाइप आगे कैसा कर देता है, देखिए तो इसका दुकान सस्पेंड हो जाए, यहाँ सभी का समस्या है, एक का नहीं है, सभी का समस्या थी, सभी लोग गलत है आपसे, ज्यादा समस्या।